नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ। आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह इस बार भी आपको कहानी सुनाने का वादा है और अपने पिटारे में एक बार फिर आपके लिए एक कहानी लेकर मौजूद हूँ। आज जो कहानी सुना रहा हूँ वो दो दोस्तों की कहानी है, दो ऐसे दोस्तों की कहानी है जो एक छोटी सी गलतफहमी से ऐसे दुश्मन बने दोनों एक दूसरे की जान के कि इतिहास का रुख ही बदल गया। और आज की कहानी को मैंने नाम दिया है दो दोस्तों की दुश्मनी का महाभारत। आज मैं जिन दो दोस्तों की बात कर रहा हूँ वो दो दोस्त हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, एक दूसरे को सखा मानते हैं, भाई मानते हैं, और वो हैं द्रोणाचार्य, युद्ध कला के, धनुर्विद्या के सरताज, सबसे बड़े गुरु द्रोण, और दूसरे हैं पंचाल नरेश, पंचाल के राजा द्रुपद। दोनों घनिष्ठ मित्र थे बचपन में, यूं कहें कि इसलिए मित्रता थी, दोनों गुरु भाई थे। द्रोण के पिता ने द्रुपद को शिक्षा दी थी, द्रोण को भी दी थी और द्रुपद को भी दी थी। दोनों गुरु भाई हुए, मित्र भी हुए, वक्त बदला भी, वक्त बढ़ा भी, वक्त के साथ द्रोण और अपनी शिक्षा में पारंगत होते चले गए, ऋषित्व प्राप्त कर लिया धनुर्धर में, धनुर्धरी में, युद्ध कला में महान गुरु बन गए। द्रुपद के हिस्से में पंचाल जनपद आता है, पंचाल के नरेश हो जाते हैं। दोनों के रास्ते अलग हुए थोड़े से। द्रोण काफी गरीबी में थे, आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं थी, शिक्षा कमोबेश ऐसा ही होता है, उसके पास खजाना तो बहुत होता है लेकिन वो ज्ञान का होता है और वो ज्ञान के खजाने से घर नहीं चलता, वो घर खाली ही था। और घर में इतनी गरीबी थी कि अश्वत्थामा जब छोटे थे तो द्रोण को दूध भी नसीब नहीं होता था, और द्रोण की पत्नी कृपी जो थी वो कृपाचार्य एक कैरेक्टर हुए हैं महाभारत में, बड़ा नाम है, कृपाचार्य की बहन थी द्रोण की पत्नी। तो कृपी उन्हें आटा घोर कर पिलाया करती थी अश्वत्थामा को, तो बहुत बुरा लगता था, बच्चे चढ़ाते भी थे, अश्वत्थामा को भी नहीं पता था कि दूध क्या होता है, अबोध बालक। तो एक बार कृपी ने द्रोणाचार्य से कहा कि आप द्रुपद के पास जाइए और कहिए कि थोड़ा सा मदद मांगिए उनसे, दोस्त हैं आपके, बाल सखा हैं, आपकी बात समझेंगे और कुछ नहीं बहुत कुछ कर देंगे क्योंकि सखा हैं। द्रोण स्वाभिमानी थे लेकिन बच्चे की दशा और पत्नी हट के आगे उन्हें झुकना पड़ा, उन्होंने कहा ठीक है जाता हूँ, मन नहीं था, अनमनस्क थे, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो जाते हैं। द्रुपद के दरबार में जाते हैं, पहुँचते हैं और उन्हें वो एक चीज़ लेकर गए थे मन में कि जैसे ही मेरा दोस्त, मेरा मित्र मुझे देखेगा वो दौड़ कर आ जाएगा और सबसे पहले मुझसे गले लग जाएगा, सिंहासन से उतरेगा और मुझसे लिपट जाएगा। और यही जो घटनाक्रम हुआ उसने सब कुछ बदल सा दिया। लिहाजा द्रुपद के यहाँ पहुँचते हैं द्रोण, राज दरबार में पहुँचते हैं, उम्मीद थी कि कुछ होगा, लेकिन ही बहुत सारी चीज़ों की जड़ हो जाती है। द्रुपद ने बात सुनी लेकिन उस सिंहासन से आए नहीं, वो अपनी जगह बैठे रहे। उन्होंने बात सुनी, द्रोण चाहते थे कि वो एक युद्धशाला खोलें, युद्धशाला शुरू करें द्रुपद के पांचाल में, लेकिन द्रुपद ने माना नहीं। एक तो वो आए नहीं, द्रोण वैसे ही खिन्न हो गए कि मेरा दोस्त मुझसे मिलने नहीं आया, वो अपने आप को राजा समझ रहा है, सम्राट समझ रहा है, वो इतना बड़ा हो गया है कि उसे मित्रता की परवाह नहीं, तो ऐसी उसकी परवाह मुझे भी नहीं। वो पहले ही खिन्न हो गए थे, क्रोधित हो गए थे, जब यथोचित सत्कार नहीं हुआ, सत्कार की उन्होंने परवाह ही नहीं की, जब दोस्त ही गले नहीं लगा तो सारी चीजें उनके लिए बेमानी हो गई।
जैसे से बात की और वो वहाँ से निकल पड़ते हैं और वो ये सोच लेते हैं कि मुझे अब पांचाल में रहना ही नहीं। वो वहाँ से निकल पड़ते हैं और वो मन बना लेते हैं राज दरबार से निकल कर, दुपत के राज दरबार से निकल कर, कि मैं हस्तिनापुर जाऊँगा, मैं हस्तिनापुर में युद्धशाला खोलूँगा और आज से मेरा कोई संबंध नहीं द्रुपद से, द्रुपद मेरा शत्रु है। वो इस बात को, द्रुपद के साथ वैर को द्रोण मन में बैठा लेते हैं। द्रोण परिवार समेत हस्तिनापुर पहुंचते हैं, भीष्म से बात करते हैं। भीष्म के लिए बहुत बड़ी बात थी कि स्वयं द्रोण युद्ध कला के ज्ञाता उनके यहाँ आ रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आप हमारे युद्धशाला बनाइए, राज परिवार इसका खर्च वहन करेगा और आप राजकुमारों को सिखाइए युद्ध कला में, उनको पारंगत निष्णात कीजिए। ऐसा किया भी उन्होंने, राजकुमारों को शिक्षा देना शुरू किया। वक्त गुजरता गया, उनका प्रिय शिष्य अर्जुन अपनी योग्यता से, लगन से महानता को प्राप्त कर गया। अर्जुन न केवल महान बना बल्कि गुरु द्रोण का अप्रतिम शिष्य बनकर उभरा। अब यहां तक तो सब ठीक है, शिक्षा पूरी हो चुकी है, लेकिन अब गुरु शिक्षा का एक पहलू यह भी होता है कि गुरु का दक्षिणा देनी होती है शिक्षा के बाद। और वो पहली बार ऐसा था शायद कि गुरु खुद, द्रोण ने कई दक्षिणाएं, गुरु दक्षिणाएं मांगी। यूं तो शिष्य दिया करते हैं अपने मन से, लेकिन द्रोण ने एक बार एकलव्य से कुछ मांगा था और इस बार उन्होंने अपने शिष्यों से भी कुछ मांगा कि मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। कौरव पांडव दोनों ही इसके लिए तत्पर थे, आप जो चाहें हम तो करने के लिए तत्पर हैं, पर नहीं, मुझे गुरु दक्षिणा में द्रुपद बंदी चाहिए। और द्रोण ये नहीं सोच पा रहे थे कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। द्रुपद एक बहुत छोटी सी गुरु दक्षिणा मान रहे थे, लेकिन एक युद्ध होने वाला था जिसके भविष्य में बहुत बड़े परिणाम होने थे। शिष्यों ने भी कहा ठीक है, गुरुदेव करेंगे। सभी राजकुमार निकल पड़ते हैं बिना ये सोचे कि ये युद्ध करने जा रहे हैं और द्रुपद को तभी बंदी बनाया जाएगा जब द्रुपद हारेंगे और उसके लिए उन्हें हराना पड़ेगा, और उन्हें हराना मतलब एक युद्ध ही होगा, भले ही वो छोटी सी झड़प ही क्यों ना हो। जब आने की सूचना मिलती है कि कौरव पांडव राजकुमार एक घोड़ी लेकर आ रहे हैं और वो युद्ध करने जैसा कुछ आ रहे हैं, द्रुपद भी निकलते हैं, एक युद्ध होता है, द्रुपद हारते हैं, स्वयं अर्जुन है खुद, तो अर्जुन के तीरों का जवाब नहीं था द्रुपद के पास। द्रुपद हारते हैं, उन्हें बाकायदा बंदी बनाया जाता है, ऐसा हथकड़ी जैसा रस्सियां बांधी जाती हैं और लाकर गुरुदेव के सामने पेश कर दिया जाता है। जैसे ही द्रुपद आते हैं, द्रुपद कुछ बात कहते हैं और द्रोण फिर कहते हैं कि अपमान आप समझे राजन, आप मैं मित्रतावश गया था और आपने उस मित्रता का मोल समझा ही नहीं। द्रुपद समझाना चाहते हैं कि ऐसा नहीं था कि मैंने नहीं समझा, कुछ मर्यादाएं होती हैं, गुरुदेव आप गुरु भाई है मेरे, लेकिन द्रोण नहीं समझते। द्रुपद को भी बंदी बनाया जाना बहुत बुरा लगा। बाद में जब द्रुपद को छोड़ा जाता है तो द्रुपद ये कुछ प्रतिज्ञाएं ले लेते हैं और ये प्रतिज्ञाएं बहुत भारी पड़ने वाली थी कुरु साम्राज्य। द्रुपद ने प्रण लिया कि वे द्रोण से बदला लेंगे, द्रोण का खात्मा करेंगे और इसके लिए उन्हें दिव्य संतान चाहिए थी और वे ऐसे ब्राह्मणों की तलाश में थे जो उन्हें दिव्य संतान दे सके। किसी उपाय से, किसी यज्ञ से, किसी भी तरीके से उन्हें दिव्य संतानें मिले। तो यहाँ वहाँ घूमने लगे, भारत भर में घूमे और इसी घूमने फिरने में वो एक कलमाशी नगर पहुँचते हैं। कलमाशी नगर में उन्हें दो ब्राह्मण मिलते हैं, काश्यप गोत्री ब्राह्मण थे और उन ब्राह्मणों के नाम थे याज उपयाज। उन्होंने कहा कि
द्रुपद ने अपनी याद जुप्याद के सामने अपनी बातें रखी और कहा कि मुझे दिव्य बच्चे चाहिए, कि जो उन्होंने अपनी मंशा बताई किसी से कुछ बदला लेना चाहता हूँ, उसके मुझे दिव्य संतानों की आकांक्षा है। पहले तो उपयाज ने मना कर दिया, याज तो उन्होंने जो बात ही नहीं सुनी, लेकिन उपयाज ने साफ तौर पर मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा, हम कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे। लेकिन द्रुपद ने हार नहीं मानी, द्रुपद एक साल तक उनकी कठोर सेवा में लगे रहे। देखिए आप कहानी कैसे टन लेती है, याज ने बात नहीं सुनी, उपयाज ने बात सुनी लेकिन बात मानी नहीं, द्रुपद हारते नहीं है इस बात को सुनकर, वो एक साल तक उपयाज की सेवा करते हैं। इसके बाद उपयाज खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, बोले ठीक है आपका काम बन सकता है लेकिन मैं नहीं करूंगा, आप भैया के पास जाइए, आप याज जी के पास जाइए, वो आपका काम कर सकते हैं। देखिए कर नहीं रहे लेकिन रास्ता बता रहे हैं, ये रास्ता पहले ही बता सकते थे, लेकिन नहीं ऐसा नहीं होता, यही इतिहास है। ठीक है साहब, द्रुपद को तो लगन थी, याज के पास पहुंचते हैं, अनुनय रखते हैं कि मुझे दिव्य संतान चाहिए हैं, आपके भाई साहब ने मुझे भेजा है, आप यज्ञ करा सकते हैं और आप यदि ऐसा करा देते हैं तो मैं आपको 1 अर्बुद यानी 10 करोड़ गाय दूंगा और बहुत सारी चीजें दूंगा, लेकिन मेरा ये कार्य सिद्ध कर दीजिए। याज बातें सुनते हैं, मुस्कुराते हैं, बोलते हैं हाँ मैं आपके कार्य सिद्ध कर सकता हूँ, मैं आपके लिए यज्ञ कर सकता हूँ। यज्ञ की तैयारियां की गई, यज्ञ शुरू हुआ, नियत तिथि पर यज्ञ पूर्ण जैसे होना था वैसे ही एक युवा निकलता है और वो मुकुट पहने हुए है, कवच पहने हुए है, धनुष लिए हुए है, एक दिव्य पुरुष निकलता है, बहुत ही गजब, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब। जैसे ये पांचाल में कुछ लोग भी हैं जिन्होंने ये दृश्य देखा, सब तालियां बजाने लगे, बहुत खुश हुए कि उनके सम्राट की आखिरकार वो आकांक्षा जो पूरी हो रही थी। एक दिव्य सुंदरी भी निकलती है यज्ञ से, जिन्हें बाद में याज्ञसेना भी कहा जाता है, और वो याज्ञसेना कोई और नहीं, वो द्रुपद की बेटी द्रौपदी थी, जिन्हें द्रौपदी नाम जानते हैं, वो कृष्णवर्णी थी इसलिए उन्हें कृष्णा कहा जाता था, द्रौपदी तो इसलिए कि वो द्रुपद की बेटी। जो युवक निकला था वो थोड़ा सा ढीठ था, निडर था, तो वो दोनों ब्राह्मणों के पास आते हैं, प्रणाम करते हैं, और ब्राह्मण उसका नाम चूंकि थोड़ा सा ढीठ और दृष्ट था वो, तो इसलिए उनका नाम दृष्टद्युम्न हुआ। लड़की सांवले रंग की थी, सम्राहट लिए हुई थी, ऐसा कहा जाता है कि वो उनके शरीर से मादा खुशबू आती थी। याज्ञसेना का नाम कृष्णा रखा गया, बाद में द्रौपदी नाम से भी जाना गया। इसके बाद द्रुपद की पत्नी वहां पर मौजूद थी और उन्होंने ये कहा कि कुछ ऐसा कीजिए, याद से उन्होंने कहा कि ये दोनों बच्चे सिर्फ और सिर्फ मुझे ही जाने, सिर्फ हम मुझे ही मां के रूप में पहचाने, वो ये ना समझे कि वो कहां से आए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा और बाकी सारी चीजें फिर स्मृति से उनकी लोप हो गई, दृष्टद्युम्न और कृष्णा द्रुपद के ही बेटे और द्रुपद की ही बेटी के रूप में विख्यात हुए। अब कहानी कैसे टन लेती है, कहानी ऐसे टन लेती है कि जैसे ही दृष्टद्युम्न और द्रौपदी हुए यानी कृष्णा हुए, तो भविष्यवाणियां हुई कि इनसे कुरुवंश को खतरा रहेगा, ये कुरुवंश के नाश के लिए, कृष्णा के लिए तो साफ ये भविष्यवाणी हुई कि इसका तो जन्म ही कुरुवंश के को भय में डालने के लिए हुआ है, और हुआ भी। होता यह है कि कृष्णा यानी द्रौपदी का स्वयंवर होना था, स्वयंवर में द्रुपद ने बहुत कठिन प्रतिज्ञा एक शर्त रखी थी कि एक धनुष को उठाना था और धनुष से एक मछली को बेदना था
पानी में तेल में देखते हुए और ऊपर एक यंत्र से मछली गोल गोल घूम रही है। देखा है सभी महाभारत में ये चीजें आ चुकी हैं। बड़े बड़े महारथी गए थे उस स्वयंवर में, कर्ण भी था, दुर्योधन भी था, दुशासन भी हैं, शल्य भी हैं, जरासंध भी हैं, तमाम कृष्ण भी थे। वहीं पांडव एक घटना के बाद निकले थे और कौरव ये मान रहे थे कि पांडव जल के भस्म हो गए, पांडव तो है नहीं दुनिया में, जबकि वो लोग बच गए थे। एक पूरी विस्तार से कभी कहानी है अलग से सुनाऊंगा। पांडव बच गए थे और पांडवों ने ब्राह्मण वेश रखा था, वेद व्यास, कृष्ण, विदुर ये सभी पांडवों को बचाने के लिए प्रयास में थे और पांडव बच भी चुके थे और उनको एक खास मौके पर सामने लाना था स्ट्रेटजी के तहत। तो पांडव ब्राह्मण बनकर ब्राह्मण वेश में यहां पहुंचे थे कृष्ण को जीतने स्वयंवर में। अर्जुन ने वो निशाना लगाया और पांचाली को जीत लिया। पांचाल नरेश की बेटी पांचाली, कृष्णा द्रौपदी। तो इस तरह से पांचाली पांडवों के साथ आ जाती है। लेकिन बात ये कि आखिर वो कौन से संयोग बने जिससे दुर्योधन का जिससे द्रुपद का बदला पूरा। अर्जुन द्रौपदी को जीत लेते हैं। माँ का एक कुछ कहना, पांचों की पत्नी हो जाती हैं। वक्त गुजरता है, द्यूत में कौरव पांडवों को बुलाते हैं, पांडवों की हार होती है क्योंकि दुर्योधन द्रौपदी को जीत नहीं पाया था, कुछ परिस्थितियां बदली। बहुत लंबी सारी कहानी है, पूरी महाभारत इसी पर बेस्ड है। उसके बाद पांचाली को भी द्यूत में लगा दिया जाता है, दांव पर जुए में हार जाते हैं। द्रौपदी को खींच कर राजसभा में लाया जाता है, उनके कपड़े खींचे जाते हैं, कृष्ण बचाते हैं। तब भीम ने कहा था कि मैं दुशासन की छाती का लहू पीऊंगा, छाती फाड़कर। जो धुआ भी भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की भी। पांचाली का जन्म हुआ इसलिए था, भविष्यवाणी ही थी, क्षत्रियों का विनाश करोगी, विनाश के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, एक बहुत बड़े काम के लिए जन्म हुआ है। और ऐसा ही हुआ। अब महाभारत युद्ध चल रहा है, सारी चीजें चल रही हैं। द्रोण सेनापति है, भीष्म के बाद द्रोण के ऊपर सेनापतित्व का भार आया। द्रोण ने वैसा ही सवाल ही नहीं उठता, वन साइडेड बाणों की वर्षा कर रहे हैं। पांडवों के लिए अपरिहार्य हो गया है कि द्रोण वध हो, कर सकता है सिर्फ अर्जुन, लेकिन कैसे होगा? द्रोण बाण थमने ही नहीं दे रहे हैं। वो तभी थमेंगे जब किसी व्याकुलता में रहेंगे, जब डिमोरलाइज होंगे, जब कानों में कुछ ऐसा जाएगा कि जिससे वो टूटेंगे, और टूटेंगे सिर्फ वो तभी जब उन्हें पुत्र शोक होगा। और पुत्र शोक कैसे होगा? युद्ध चल रहा है और अचानक से कुछ गूंज उठती है कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोण तक ये कोलाहल पहुंचता है, द्रोण हतप्रभ होते हैं और वो विपक्ष यानी पांडवों से पूछते हैं कि क्या सच है? सभी कहते हैं कि हाँ, लेकिन वो विश्वास नहीं करते हैं। वो युधिष्ठिर से पूछते हैं कि युधिष्ठिर तुम मर्मज्ञ हो, तुम तत्वज्ञानी हो, तुम झूठ नहीं बोलते, तुम सच ही बोलोगे, क्या है? ऐसा हुआ है? युधिष्ठिर ने कहा, कहना पड़ा पहली और आखिरी बार शायद, झूठ या झूठ तो नहीं कहा, सच कहा, लेकिन वो छुपाने के लिए कहा कि हां गुरुवर, अश्वत्थामा हाथी मारा गया है। हाथी उन्होंने इतना धीमे कहा कि वो सुनाई नहीं दिया। बस द्रोण ढाल हुए, धनुष छोड़ा, वो अपने रथ से उतरते हैं और वो जमीन पर बैठ जाते हैं युद्ध प्रांगण में। उनके बीच लीन हो जाते हैं और बस
पास यही वो क्षण था दृष्टद्युम्न ने देखा उनके पिता का सबसे बड़ा दुश्मन अपोनिष्ट है, वो युद्ध छोड़ चुका है और दृष्टद्युम्न ने कोई गलती नहीं, जिस मौके का इंतजार था वो मिल गया। दृष्टद्युम्न दौड़ते हुए आता है और उनकी गर्दन काट देता है। यही थी एक दो दोस्तों की दुश्मनी की कहानी। दोस्तों, हम जीवन में जैसे बहुत बड़ा मानते हैं, मान उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, यार देखा ही नहीं, यार पूछा ही नहीं, और इसी का ही मान अपमान उनका जीवन निकल जाता है। इसे ये इतनी बड़ी चीज होती नहीं है जितना कि हम इसे मानते हैं, बहुत छोटी चीज होती है, कुछ भी नहीं होता, किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है, या किसी का कुछ जाता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारा जीवन चला गया, कुछ नहीं होता। कृष्ण ने भी युद्ध से पहले जब कुछ हो रहा था, बात चर्चाएं चल रही थी पांडवों की कृष्ण की, तो पांचाली बोल पड़ी कि क्या मेरा अपमान कुछ नहीं, द्रौपदी तुम्हारा इतना बड़ा अपमान नहीं है जिसकी वजह से इतना बड़ा फैसला ले लिया जाए युद्ध का। हालांकि युद्ध हुआ अवश्यंभावी ही था, उस कृष्ण ने ही रचा था, उन्हें तो करवाना ही था, धरती से वो सब क्षत्रियों को खत्म करना ही था, सत्य की स्थापना करनी ही थी, और वो हुई भी उन्हीं के हाथों, शाप भी झेला उसने उस कृष्ण ने, लेकिन वो किया। तो वो इतना बड़ा नहीं होता कि उसके लिए सब कुछ किया जाए, लेकिन हम इसी पाखंड में लगे रहते हैं। यकीन मानिए, इस मान अपमान की आहुति डाल दें तो जीवन स्वर्ग हो जाएगा, लेकिन वो बेश हम ऐसा करना नहीं चाहते। सब कुछ हमारी समझ का फेर है। ज्यादा ज्ञानवाणी हो गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। अगले शनिवार शाम 6 बजे फिर एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। हमारी कहानी अच्छी लगती हो तो हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। जय हिंद। Thank you.